श्रीलंका थले थले ते थले तो जनाब हो गया जे बल्ले 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 ते श्रीलंका थले थले ते थले तो पाकिस्तान ने जनाब हिस्ट्री क्रिएट कर दी है हाईएस्ट एवर चेज इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप हैट्स ऑफ टू रिजवान मेरे हमनाम। तो भाई बहुत ही अरसे के बाद 100 आया है, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। वर्ल्ड कप का अपना भी मेडन उसका 100 और 2019 में 100 आया था, काफी साल बीत चुके थे। तो 100 आज आया, नो डाउट क्रैप्स भी पड़े हैं जैसा तैसा भाईजान एंड तक, कोई बोले जी उसको वो उसकी आदत है ये, लेकिन मैच खत्म करके आया है, दिस इज व्हाट वी वांट। अब्दुल्ला शफीक, when you give chance to talented player, this is what they do. Abdullah Shafiq was amazing. Tareefein kar rahe hain log ji, itni shandar, behtareen, kya khela hai, kya shandar. Aur calm, cool, like cucumber under pressure. It's not easy. Sare 300 board pe lage hue hain. Bhai jaan, hum yahan pe aatma phool gaye the, ho gaya. Babar out gaya. Match khatam. Main to tweet kar diya tha. Pakistan hi maarega. To jinaab chuti, farak. लेकिन हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम, बहुत ही तगड़ी पार्टनरशिप आई है। 176 रन और वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से। 48 साल की हिस्ट्री वर्ल्ड कप की तहस नहस करके रख दी। बाबर कहना चाह रहा था हमारी बैटिंग अच्छी है, उसके मुंह से बाल ही निकल गया। तो करते कराते भाई साहब कमाल ऐसा कर दिया। दिस इज टीम पाकिस्तान फॉर यू। भाईजान हमें भी बीच में कभी कभार डाउट्स हो जाते हैं काफी, लेकिन हमने 10-20 कर ही दिया। आप 15-20% तो दिया ही हुआ था कि है, 0% का चांस होता है, 0-15-20% फिर भी क्रिकेट में बहुत चांस होता है। अब्दुल्ला शफीक देखें, स्पिनर्स को उसने निकल निकल के छक्के मारे और उसने पुल एंड हुक शॉट पे शॉट्स मिली, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये होता है टॉप ऑर्डर का बैट्समैन। ऐसा नहीं कि हर दूसरे मैच में पहले 2-3 ओवरों में आउट होकर बाहर चले जाओ। इमाम ने 15-16 रन नहीं क्रॉस किए, 6-7 मैच हो गए 8, और फखर ने 30 रन नहीं क्रॉस किए, 15-20 मैच हो गए। ये कोई तरीका है? आप साउथ शकील आज कर रहे उसकी इनिंग जरा कैच को छूटे बट इट्स ओके। साउथ शकील इज परफॉर्मिंग, अब्दुल्ला शफी की परफॉर्मिंग और एंड पे हैट्स ऑफ टू रिजवान, क्या कमाल का भाई खेल के गया और एंड तक मैच फिनिश करके नो डाउट आया। 70 गेंदों पे 80-85 रहता था, इतना करीब आके, क्योंकि ये टीम पाकिस्तान है, आप कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते। मैं भाई जब तक ये लाइन ओवर क्रॉस नहीं होती ना तो तब मजा आएगा। तो हैट्स ऑफ टू देम बोथ ऑफ देम, उन्होंने श्रीलंका से की ग्रिप से मैच निकाल लिया। बहुत ही बेहतरीन मौसम भाई, मजा आ गया। और आज हमने जो शुरुआत भी किया, बल्ले बल्ले ते बल्ले ते थले थले श्रीलंका, तो बहुत ही बेहतरीन, इससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा पाकिस्तान की टीम का। हैट्स ऑफ टू द बॉयज, बॉयज प्लेड वेल मोहसिन भाई, बॉयज प्लेड वेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सबसे पहले 23,000 से ज्यादा, फर्स्ट टाइम हैदराबाद का ग्राउंड, हैदराबाद इंडिया का ग्राउंड, नॉन इंडियन मैच, 23,000 से ज्यादा ग्राउंड, एंड दे वर कैरिंग पाकिस्तानी फ्लैग, सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे वर सपोर्टिंग पाकिस्तान टीम, दे वर मेंशनिंग अब्दुल्ला एंड मोहम्मद रिजवान एंड अबव ऑल राजस्थान रॉयल्स, राजस्थान रॉयल्स, दे ट्वीटेड फॉर रिजवान, द नेम ऑफ ट्रस्ट, द नेम ऑफ ट्रस्ट।
पूरी दुनिया ने देखा कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया के ग्राउंड में पाकिस्तान की टीम खेले और उसका सपोर्ट ना हो, ये आज पूरी दुनिया ने मौजा देख लिया। थैंक यू वेरी मच टू इंडियन हैदराबाद। उनके लिए शर्म की बात है, जो दुश्मन दुश्मन जो दुश्मन खेलते हैं उनके मुंह पे लानत है, ऊपर वाले की सारों की लानतें उन्हीं के मुकद्दरों में लिख दी गई है। 1 करोड़ 1 लाख बंदा मैच देख रहा है पाकिस्तान और श्रीलंका का हॉटस्टार पे, 1 करोड़ 1 लाख बंदा देख रहा है ये इमाम पर्ची, ये जमान पर्ची, ये अर्थर पर्ची, ये जका अशरफ पर्ची, ये नजम सेठी पर्ची, इन सारी पर्चियों पे पानी फेर दिया अब्दुल्ला शफीक ने। बार बार वर्ल्ड कप में डेब्यू में 100 करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड व्हेन चिप्स वेंट डाउन, वो पर्ची, वो इमामुल हक, वो टट्टू मट्टू टीमों के खिलाफ 50 की एवरेज, 3000 रन। अब कहा आशिम आमला, कहा तू डाबर आमला, और गली में लेकर जो तेल हम फेंक देते हैं तू वो भी नहीं है, डाबर आमला भी नहीं है, डाबर भी बड़ा ब्रांड है। और ये भाबर, अब कब स्कोर करेगा तू, कब करेगा? और आप देखें, ये है अब्दुल्ला शफीक, ये है जो भी है क्रांस पढ़ रहे, इयान बिशप स्मिथ जो बैठा वो कह रहा है पाकिस्तानी नहीं वॉटसन हेडन कह रहे इसके खून में रेजिलियंस है, इसके खून में बहादुरपन है। जो है बॉन्ड फाइटर है, रिजवान के लिए होते ही फाइटर है, रिजवान के लिए खेल रहा, क्रैम्स है, लंगड़ा है, लूला, स्वेटिंग ब्लड, बट ही इज अ फाइटर, बाहर नहीं गया, नहीं गया, जो भी है देखे जी ड्रामा फलाया, लेकिन आज पाकिस्तान की टीम जीती है। लेकिन अगर आप 12वां खिलाड़ी इंडियन क्राउड का शुक्रिया अदा करें तो लानत है आपके पैदा होने पे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक यू वेरी मच। आप ना होते ये 345 कभी ना होता, दिल से कह रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। चुमिया द जफिया बले 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 ते नफरत थले थले ते गटर तू भी थले। वाह 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 मोहसन भाई, क्या स्पीच किया भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। और अब्दुल्ला शफीक, व्हाट अ ड्रीम डेब्यू फॉर द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में पहला ही मैच खेल रहा था, 100 आया और बहुत ही अच्छा और तगड़ा खेला, 120-125 गेंदों पर नहीं आया, स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 100 का, और ये बहुत ही बेहतरीन। जबकि आपका जिस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है और वही सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट कर रहा है, आपका कप्तान भी है, वो जब आउट होके चला गया 37-38 पे 2 आउट थे, वहां से लेके फिर टोटल को बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई है अब्दुल्ला शफीक रिजवान। अब कहां है वो लोग जो रिजवान को, खास करके कराची वाले कोई अगर मेन स्ट्रीम मीडिया वाले खास करके और बाकी सोशल मीडिया पे भी जो है वो कहते हैं जी सरफराज को बहुत ज्यादती हो गई है, रिजवान को डाल दिया बीच में, रिजवान को डाल के बहुत नाइंसाफी कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और सिकंदराबाद बोला कि ये रिजवान तो नहीं था, मैंने भी कहा कि मुश्किल ही है, लेकिन मैंने उसकी नफरत में नहीं कहा। तो देखें अब वो लोग क्या सामने आएंगे कैमरे पे, माफी मांगेंगे कि जो इसको बुरा भला बोलते थे सरफराज की जगह खा गया ये, तो आप बताएं परफॉर्मेंस किसके बल्ले से आई है, रिजवान के बल्ले से आई है। तो आप वो सामने आए वो लोग जो इसको कहते थे सरफराज नहीं है रिजवान क्यों है और इसको जबरदस्ती टीम में घुसाया गया, तो भाईजान ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आया है और पिछले 6-8 महीने से बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत बेहतरीन खेल रहा है। एनीवेज ही वाज टू गुड टुडे, अब्दुल्ला शफीक वाज अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। और जिस तरह मोहसिन भाई ने बोला है, ग्राउंड भी ऑलमोस्ट पूरा क्राउड सारा भरा हुआ था और जैसे ही चौका लगता था आवाज आती थी वाह, मजा आता था टीवी पे देख के बेतहाशा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चौका लगता था, छक्का लगता था तो बेतहाशा सपोर्ट थी वहां से,
और उसके लिए आपका थैंक यू शुक्रिया हमने ये सैल्यूट करके किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस टीम का मैच ना हो, होम टीम का ग्राउंड ऑलमोस्ट भरा हुआ हो, ये बहुत ही कम होता है भाई साहब, और बहुत ही कम। और आज दिन क्या है भाई साहब? आज दिन है मंगल, वीकेंड तारीख है 10, वीकेंड नहीं, नहीं। तारीख लिखी इंडिया ने कोई लिखा नहीं, हम श्रीलंका बेटा तेरे अंदर तो श्रीलंका त्रिलंका हुआ, तेरे अंदर बगैर पेट्रोल की आग लग गई है, क्योंकि तू उम्मीद नहीं करता था कि इतनी देखे। शर्म आनी चाहिए सिकंदर बाग, शर्म आनी चाहिए मुश्ताक अहमद और तमाम उन टटुओं मटुओं को जो कहते थे मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं, सारा हिंदुस्तान अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने ये थप्पड़ मारा उन नफरतियों को उनके मुंह पे कि लानत है तुम पे, बाहर में जाओ तुम, हमारा तुमसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, हम खेल को सपोर्ट करेंगे। हम दोनों पड़ोसी थे, वैसे तो श्रीलंका भी पड़ोसी है, हम भी पड़ोसी है, लेकिन क्रिकेट जीत गया, मोहब्बत जीत गई, नफरत हैदराबाद के ग्राउंड के अंदर दबल हो गई पिच में। बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली ऐसा ही है। आप तमाम दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बेधाशा दोस्त मैसेज कर रहे हैं जिन लोगों ने भेजा है सुपर चैट, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। फिलहाल पहले जरा हाफ वे देखे, हाफ वे स्टेज पे मोशन एक्सपोज्ड ऐसा ही कर रहे थे। मोहसिन भाई ने भी बोला श्रीलंका से पाकिस्तान जीतेगा, मैंने भी यही बोला, बीच में आउट हुए, गड़बड़ हुई, फिर भी 15-20% ऐसा नहीं बोला कि 100% ही मैच चला गया, 100% का नहीं बोला, और एंड पे पाकिस्तान जीत गया। और बिल्कुल बहुत बड़ा मैच जीता ये, इससे इनके कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग वन ऑफ द फेवरेट टीम से जो इनका मैच है उससे पहले ये अच्छे रिदम के साथ जाएंगे उस मैच में। दो मैच देखें, 6 मैच पाकिस्तान को एटलीस्ट जीतने हैं, 6 जीत के मेरा ख्याल है दे विल गो थ्रू, तो उसमें से ये श्रीलंका वाला टिक किया हुआ था जी, ओके ये जीत है आपकी। अगर श्रीलंका अफगानिस्तान बांग्लादेश अगर ये नहीं आता आज तो बहुत मसाइल हो जाते, बहुत ही मसाइल हो जाते, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज ये मैच 0 और 8-0 और देखें 8-0 एंड पे जाके एंड। भाईजान इतना इटेट ना करो, ये ना कि अपना भी 8-0, भाईजान बहुत लिख रहे थे 7-1 7-1 8-0, ये ना हो गया उस दिन आप ही के वाला कट करके हमें दिखा रहे जी 8-0 14 तारीख को। भाई अच्छी क्रिकेट खेले, वी डोंट माइंड दैट, हमने कभी नहीं माइंड करना। तो दोस्तों जहां क्रिटिसाइज करते हैं बनता करते भी हैं, लेकिन जहां तारीफ है वहां भी तारीफ करनी चाहिए, दिल खोल के करते हैं। और आ गया वैसा आ गया तो ड्यू शू नहीं आया, एंड के कुछ ओवरों में वो टावल से कुछ गेंद सुखा रहे थे, वो भी मेरे छक्का लगा बाहर गई, तो भाई 36-37 बॉले। तो कोई अगर बोले जी ड्यू की वजह से जीत गया, ये बात भी गलत है। कितने प्लेयर्स के आपने टावल पीछे लटके हुए देखे हैं कि वो गेंद को बार बार साफ कर रहे हैं, नहीं ये बात गलत है, ड्यू ना होने के बराबर जो लिख रहे हैं ना फिक्स है, तो फिर इंडिया ने फिक्स कराया होगा पाकिस्तान के लिए, छोड़ो फिर नहीं आ सकता ये फिक्स, नहीं नहीं वो तो दो चार ऐसी तो जवाब है ये, तो ड्यू वगैरह भी नहीं है कि आप बोलेंगे ड्यू की वजह से जीत गया। देखे श्रीलंका की बॉलिंग जो है वो ऑर्डिनरी बॉलिंग, ऑर्डिनरी बॉलिंग है, और उनके ये वन बॉलर शॉट खेल रहे हैं, शिनाका से ओवर करवाते हैं, धनंजय डिसिल्वा से कराते हैं, श्रीलंका से कराते हैं, तो ये करते कराते हैं, वो जो 10 ओवर है वहां पे पाकिस्तान ने भी एडवांटेज लिया। और ये बात हमने कल भी आपको जब हम शाम को भी बात कर रहे थे, जब हम रिव्यू कर रहे थे इस मैच का, आपको बोला था पाकिस्तान को वो टारगेट करना चाहिए। अब उन ओवर्स में ऑलमोस्ट रन बॉल भी अगर आ जाए 60-70 रन 10 ओवर में आ जाए तो मेन बॉलर्स पे प्रेशर आ जाता। बहरहाल बाकी भी कुछ खास किया नहीं है, पति राना लुक एट हिम, कितनी वाइड बॉल है, वो वाइड बॉलों पे भाई उसको कंट्रोल आना चाहिए, वो तो अपनी टीम का ही जनाजा निकाल रहा है, वो तो अपनी टीम के खिलाफ ही इतने रन दे रहा है। वाइडों के इन्होंने ठीक ठाक हमें रन दिए हैं, उनके लिए इनका शुक्रिया, हमने भी बीच में कुछ दी थी लेकिन इन्होंने जनाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, हम एक एक वाइड बॉल दे रहे थे, ये 5-5 दे रहे थे एक एक गेंद पे, तो बहुत शुक्रिया भाई इनका। बाकी देखें बहुत ही मार पड़ी है
अब मिस्टर पथिराना को 9 ओवरों में 90, एक विकेट लिया जरूर है उसने, 90 रन वो देके गया, 90 रन, और बाकी जो पार्ट टाइमर है उनको भी बीच में किसी को एक में 10 पड़ा है, जनन धनन जाया डिसिल्वा को 4 पे 36 पड़ गया, शिनाका को 5 पे 28, तो ये आप लगाए ना 46 और जमा 28 कितने होते हैं भाई, 46 और 28 आप कितने होते हैं भाई जान, 76 और 8 84, तो ये 10 ओवरों में जो इनके बीच वाले ओवर हैं इनको एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन डालना पड़ेगा और बॉलर डालना पड़ेगा, ये पार्ट टाइमर से हर दफा नहीं असल लंका 4-4 आउट कर जाएगा, ये आप हर मैच में फेंटी खाएंगे। हैट्स ऑफ टू रिजवान मोहसिन भाई, बहुत ही बेहतरीन, 131 नॉट आउट, 121 बॉल, 84 बाउंड्रीज, 3 मैक्सिमम, और आइडियल किस्म का, और पाकिस्तान ने 10 गेंदे पहले बड़ा टोटल चेज कर, जितने भी तारीफ करें क्रैक्स भी थे, 50 ओवर पूरे फील्डिंग ही, फिर जनाब अगले को 10-12, 8-9-10 ओवर में फिर आना पड़ गया, बिल्कुल, यानी कि 90 ओवर फील्ड में रहा, और वो बेगैरत कराची में एक टीवी पे बैठ के जो बेगैरत है, बेगैरतों का सरदार कह रहा है ड्रामों को अवार्ड मिलना चाहिए, लानत है तुझ पे, तेरी पैदाइश पे, तेरी औकात पे, तू एक बदनसला है, तू रोता रहता है भाई जान, इतनी कमाल की बैटिंग, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिसका पहला मैच, भाई रिजवान तो रेगुलर खेलता है, पहला पाकिस्तानी बैट्समैन बन गया 2-3 साल में कि जिसने चौथे नंबर पे आके ओडीआई में 100 ठोक दिया, हालांकि बाबर आजम साहब पता नहीं कितने हजार मैच, कितनी हजार इनिंग्स चाहिए, नाम के नंबर वन, नाम के किंग, नाम के विराट कोहली, बेटा अगर विराट कोहली का लकब किसी को दे तो रिजवान को चेज में दे, द चेज मास्टर के अगर कोई करीब आता है तो वह मोहम्मद रिजवान आता है, जो चेज में जाके हमेशा स्कोर कर रहा है रिजवान हैदर साहब, जो इन हालात में आपकी टीम को जलील होने से बचाता है, रुस्वा होने से बचाता है, और पूरी बारी लेता है, क्रैंक्स पड़ गए बाहर नहीं गया, और लांती और बेगारत वो हेडन जो दुनिया क्रिकेट का बाप माना जाता है क्रिकेट में, वो वाटसन दुनिया क्रिकेट का बेहतरीन ऑलराउंडर, वो आयन बिशप दुनिया क्रिकेट जिसको मानती है, वो सुनील गावस्कर पहला 10,000 रन करने वाला टेस्ट में, ये सारे जो है, ये सारे एक तरफ, तू टट्टू गली की नाली की पदाशो, तुम लोग कहते हो कि ये रिजवान ड्रामे करता है, लाना था तुम पे, पैदा क्यों हुए धरती के बोझो गटलो, वो सरफराज को डालने तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई बेशरम है ये लोग इस मुल्क में, रिजवान हैदर साहब यहाँ पे पाबंदी लगेगी मेरे और आप पे, यहाँ पे एक्रीडिशन नहीं होगी आपकी और मेरी, यहाँ पे टटुओ मटुओ फटुओ चंटुओ इन नाली के गटर के कीड़ों की एक्रीडिशन होगी। बहरहाल आज मुबारक हो, कुछ दोस्तों को फोन आ गए हैं और उनके वीजे लगने शुरू हो रहे हैं। अच्छा दोस्तों, आपने कोई तब्दीली जो है महसूस नहीं की, बैकग्राउंड में आपको कुछ तब्दीली महसूस नहीं हो रही, नया भाई साहब पीछे बैकग्राउंड डाला है तो आपको महसूस ही, आपने कोई बताया नहीं कमेंट करके भाई, कोई कैसा ये बेहतरीन, और आपको एक बंदा जिसका थोड़ा सा अभी सर नजर नहीं आ रहा, बल्ला पकड़ के ऐसे खड़ा हुआ, वो हमने आपकी डिमांड पे स्पेशल ऐड किया क्योंकि इज अ किंग, तो किंग तो फिर बाहर नहीं हो सकता, बेशक वो कप्तान है कि नहीं है, सो ही इज अ किंग सो ही इज देयर, तो नाम तो आप जानते ही होंगे, जी जी सबका फेवरेट विराट कोहली विद दिस स्माइल इज देयर, तो आपकी फरमाइश पे जनाब डाल दिया, बाकी थोड़ी सेटिंग कल और बेहतर करेंगे ताकि पूरा नजर आए, अभी फ्रेम से थोड़ा सा आउट हो रहा है, सो थैंक यू वेरी मच जी फॉर ऑल योर सपोर्ट, और आप दोस्तों ने जिन्होंने भी मुबारकबाद दी है, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, लवली मैसेज। फास्ट टू पिक करें जी, 50 ओवर विकेट कीपिंग, 50 ओवर बैटिंग, वाह रिजवान वाह, क्या बैटिंग है, क्या एम्पायर नहीं वॉरियर है भाई, दिल जीत लिया जी हम इंडियंस का, क्रिकेट देखो तो ये एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस है, लव यू रिजवान भाई, मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच जी, फास्ट टू पिक साहब आपका भी शुक्रिया, और हम तो बेतहाशा दोस्तों का शुक्रिया अदा कर चुके,
जो ग्राउंड में भी मौजूद थे, हर चौके पे, हर छक्के पे, यकीन करें ऐसे लग रहा था पिंडी में मैच हो रहा। भाईजन ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा पिंडी में मैच हो रहा है, लाहौर में मैच हो रहा है, कराची में तो खैर स्टेडियम ज्यादा खाली होता है, या मुल्तान वगैरह में कहीं, यहीं पे यानी पाकिस्तान में मैच हो रहा। हर चौके पे, हर छक्के पे, वाह वाह तालियां शोर, तो मजा आ गया भाई साहब। परफॉर्मेंस भी बहुत टॉप नॉच, ये जो लिखा हुआ है ना टॉप नॉच एनालिसिस, परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच टू, बट एप्रिसिएशन इन द ग्राउंड वाज टॉप नॉच एज वेल। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अकदस हुसैन है, बहुत खुश हैं, बल्ले बल्ले, सुपर बैटिंग बाय अब्दुल्ला, रिजवान, साउद, इफ्तिखार डिड गुड फैबुलस बैटिंग बाय पाकिस्तान, वी नीडेड दिस विन, आई थिंक नाउ आवर टीम विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। जी अकदस हुसैन साहब, ये जीत बहुत जरूरी थी, और देखें एटलीस्ट आपको 6 जीते चाहिए फिर आपका जाके कंफर्म होगा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो उस 6 में आपने ये श्रीलंका वाला ओके किया है, वो होना ही था। तो अगर ये आज गड़बड़ हो जाती तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, लेकिन हैट्स ऑफ टू द बॉयज, बॉयज प्लेड वेल टुडे। 199 रन्स की औसत से मोहम्मद रिजवान 2 वर्ल्ड कप के मैचेस में एक चाचा मरवा रहा है पाकिस्तान टीम को, जिसका नाम है द मैच विनर अल्हम्दुलिल्लाह इंजमामुल हक, और एक चाचा टीम को ऊपर ला रहा है जिसका नाम है चाचा इफ्तिखार। तो कौन सा चाचा चाहिए आप दोस्तों को, वो बताइए हमें, वो चाचा आपको पेश कर देंगे। और जी मोहसिन भाई, अब मैं अब जी जी आपने कहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर पाकिस्तान ना जीता। थैंक यू वेरी मच सिंह जी, आपने भी बोला था एक बड़ी पार्टनरशिप चाहिए, और आपका भी साहब आपकी टी-शर्ट पक्की, आपका भी शुक्रिया जी, आपने बोला था। जतिन तलवार साहब, कांग्रेचुलेशन रिजवान भाई, मोहसिन भाई, एज आई मेंशन इन द प्रीवियस कमेंट टुडे दैट पाकिस्तान विल चेज इट डाउन, मोहसिन भाई छोटे मोटे स्टूडेंट्स ऐसे वैसे, ऐसे वैसे हम भी हैं, ठीक है जी, लव फ्रॉम यूएसए, मानता हूं मानता हूं। समीर भाई कहा 90% हमें रवा चुके हैं, वो मैसेज अभी करता हूं, पढ़ता हूं पढ़ता हूं अभी मैं। समीर भाई अब फिर आप माजरत कर ले 14 की। मोहम्मद सरवरी साहब, वेल डन रिजवान अब्दुल्ला एंड पाकिस्तान, व्हाट अ विक्ट्री, लुक अप परफेक्ट बैटिंग लाइनअप विद अब्दुल्ला एंड सऊद, गूसबम्स मेड माय डे, याहू बुर्रा 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 फॉर सरवरी, कमाल कमाल मैसेज है, थैंक यू वेरी मच। बाजू को पर्ची का भी लिख देते हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, बहुत ही बेहतरीन मैसेज लिखा है भाई आपने, थैंक यू वेरी मच। और मोहम्मद सरवरी साहब और अकदस हुसैन का भी मैसेज मैंने पढ़ लिया है, और आपका तमाम दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया। देखें अच्छी क्रिकेट को, जो क्रिकेट फैन वही है जो अच्छी क्रिकेट को अप्रिशिएट करे, सही बात। और अगर अच्छा खेलता श्रीलंका जीत जाता तो ठीक है, उनके लिए भी अच्छा था, हमें उन्होंने हराया एशिया कप में, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने नहीं हराया, लगातार हार हार के अब हम जीते हैं। आज हमारा दिन था भाई, आज लग रहा था ये 7-1 हो रहा है। डॉक्टर सुमैया कह रही है अमेजिंग चेस, स्माइल्स बैक, देखो जरा फर्स्ट टाइम नॉन इंडियन मैच को 1.2 करोड़, 1.2 मिलियन, नहीं 12 मिलियन पीपल वॉच्ड लाइव ऑन हॉटस्टार, देखा है दिस विन हैज स्पाइस्ड अप द वर्ल्ड कप, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये पाकिस्तानी फैंस की कमी आपने पूरी कर दिया, 12th मैन आप थे हमारे। देखें जी टेक्निकली रिजल्ट एंड पे दिखा रहा है, 10 गेंद पहले चेस कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि आसान जीत है। लेकिन विकते हैं। लेकिन आपने जो बात बोली है ना कि इसके बाद वर्ल्ड कप का नजारा, आप तो वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला, तो वर्ल्ड कप वाली वाइब्स आना शुरू हो गई। कल अभी इंडिया का मैच, वरना सारे मैच ही 1-sided ही हो रहे हैं अभी तक, सारे ही 1-sided मैच हो रहे हैं, और पहले बांग्लादेश और इंग्लैंड देख, सारे मैच जितने 37 अभी तक जितने, उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भी 1-sided मैच हुआ, 1-sided हुआ, तो 1-sided मैच अलजई हुआ, बोरिंग हो गया, जैसे अब्दुल्ला और रिजवान ने कर दिया वैसे ही कोहली और राहुल ने कर दिया था, तो ऑल द मैचेस दे वर द 1-sided मैचेस, मजा नहीं आ रहा था। एंड पे आप चूंकि 10 गेंद पहले हैं, कंफर्टेबल विन कह लें, लेकिन बड़ा मुकाबला हुआ इस मैच में, और आज के बाद बिल्कुल आपकी बात सही है, और भी तगड़े तगड़े मैचेस होंगे डॉक्टर साहब, थैंक यू। प्रशांत कह रहे हैं हाय रिजवान मोहसिन भाई, दिस विन इज टर्निंग पॉइंट फॉर पाकिस्तान कैंपेन फॉर दिस वर्ल्ड कप, सच अ चेज विल नज अवर प्लेयर्स टू डू वेल, और
सेमीफाइनल बाद अभी मेहनत और भी जरूरी है, इंडिया से खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से खेलना है, तीन में से एक भी मैच जीत गए, मोमेंटम तेजी से इधर आएगा। इन पांच मैचों में से एटलीस्ट दो, और आइडियल सिनेरियो है कि तीन जीतें, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड। बहरहाल जी मुकाबला होपफुली अच्छा होगा और टीम हमारी अच्छा कर रही है, रिदम में आई है भाई और बेहतर कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई थी दोनों को, और बोला था जनाब गेमिंग प्रो साहब का मैसेज में, बोला था जी आपने, बोला था बिल्कुल, बोला था आपने बिल्कुल, बोला था जी, आपका भी शुक्रिया गेमिंग प्रो साहब। और मतेश आल्सो सेड आई टोल्ड यू, यस यू टोल्ड दैट श्रीलंका वर बिट शॉर्ट बट इट डजंट मैटर, वर्ल्ड कप की ग्रेटेस्ट चेस, इवन इंडियन क्राउड वाज सेइंग पाकिस्तान जीतेगा, सुपर परफॉर्मेंस। नहीं इवन क्या, इंडियन क्राउड वाज सेइंग, वहां तो हमारा कोई नहीं था, इंडियन क्राउड ही पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था मितेश साहब, हमारा तो वहां कोई, लेकिन आप ही हमारे थे, बात तो ये है कि आप हमारे थे, हमारा कोई नहीं था वहां, अगर आप ना होते नोबडी वाज देयर, थैंक यू वेरी मच। सही बात है जी, थैंक यू वेरी मच जी, रिंकू मितेश आपने भी कहा था पाकिस्तान जीतेगा, थैंक यू, और आप बाकी भी तमाम दोस्तों का जो वैसे भी मैसेज कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब ने बोला था जी, ऐसा ही है। उसके अलावा भाई गुरदीप सिंह साहब कह रहे हैं सत श्रीकाल, कंग्रेचुलेशंस, पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड टू बाबर, व्हाई ही इज नॉट स्कोरिंग, मरवा दिया था बट एंड इज हैप्पी, कंग्रेचुलेशंस। नहीं देखे गगनदीप साहब, बात यह है कि ये जब तक इमाम नामी पनौती रहेगी, ना कैच पकड़ता है, ना फील्डिंग करता है, ना बैटिंग करता है, एटीट्यूड दिखाता है, चाचे का रोब दिखाता है, देखें स्कोर वो भी नहीं कर रहा, स्कोर वो भी नहीं कर रहा। मुकेश मेहता भी कह रहे हैं जी, मैंने भी यही कहा था, आप देखें थोड़ी देर पहले कहा था आपने पाकिस्तान जीतेगा, कुछ घंटों पहले आपने कहा था। बाकी भी जितने दोस्तों ने बोला, आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच। आई रिमेंबर यू ऑल्सो मेंशन्ड दैट पाकिस्तान विल डू वेल एंड दे विल विन, एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट हैपेंड। मजे आ गए जनाब, और मोहसिन साहब यू नेल्ड इट, व्हाट अ प्रेडिक्शन, लव यू बोथ। कमलेश साहब कह रहे हैं कमलेश साहब, बस ये आपकी मोहब्बत है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैच वही तीन में आपको जो कहे हैं, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बाकी आप देख रहे हैं इंशाल्लाह हम कैसे निकालेंगे। वैभव कह रहे रिजवान इज द ओनली सीनियर प्लेयर इन पाकिस्तान एंड इट वॉज प्रूव टूडे, विल ही रिप्लेस बाबर आजम एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। वैभव साहब को ठीक खेल रहा है, मेरा नहीं ख्याल है, दिस इज नॉट द टाइम टू डिस्कस कैप्टनसी, नो टाइम, दिस इज नॉट द टाइम, हम वो नहीं है जो एजेंडा चलाना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है रिजवान इज गिविंग हिज 200% एंड वी अप्रिशिएट दैट। और वो देखे आज ही देखे आप सारों के डब खड़ब एनालिसिस के, वो डब खड़ब जो थे रिजवान के लिए कहते नहीं करेगा, अव्वल तो उनके कईयों के कलेजों को ठंड पड़ी होगी कि वो अपने बाप इमाम पे नहीं कोई बात करेगा कि उनका बाप जो है वो इंजमाम की जो पर्ची है जो मुल्क के लिए तबाही बर्बादी है उस पर नहीं बोलेंगे। रिजवान बहुत अच्छा खेला है, 50 ओवर फील्डिंग भी किया, विकेट कीपिंग इट्स नॉट इजी, और 50 ओवर में भी आज वैसे उसके पास कम गेंदें गई हैं क्योंकि ज्यादा तो बाहर ही गई हैं, लेकिन फिर भी कीपिंग जो है इट्स नॉट इजी जॉब, तो कीपिंग आपको बार बार एक्टिव रहना पड़ता है, बैक आपकी बार बार बेंट होती है, फिर अगर गेंद आपके पास नहीं आ रहा डायरेक्ट जहां फील्डर के पास जाता है वो भी आपकी तरफ थ्रो करता है, फिर आप पकड़ते हैं फील्डर को देते हैं, तो ये 3-3.5 घंटे की बल्कि आज 4.25 घंटे की इनिंग्स जो हुई है वो वाली फील्डिंग ये आसान काम नहीं है, यू नीड टू बी सुपर फिट। ट्रू। और फिर बैटिंग में नो डाउट आया, अगला लंगड़ाया है, गिरा है, चला है, जो भी किया मैच फिनिश करके आया, सही बात, हैट्स ऑफ टू हिम। बाकी देखें अभी हम इस डिबेट पे नहीं, ये आप वो टीवी वाली सरकार जो उसके अंदर बख्श टाइप लोग हैं उनसे पूछें, या जिनको ज्यादातर कराची वालों को चुप बता लेगा ही नहीं, रिजवान ही तो असल सेंटर है, रिजवान चुप बता उनसे पूछें, वो अगर कुछ बोले लेकिन वो तो अपनी मौत ही मर जाएंगे कि अगर देखे रिजवान ही कप्तान बन जाएगा, सुबह दोपहर शाम जलील होते हैं लेकिन बाज नहीं आते। तो अभी इस डिबेट में हम नहीं पढ़ेंगे कि ये कप्तान हो वो कप्तान हो,
वर्ल्ड कप दोनों मैच हिस्ट्री हो गई। वर्ल्ड कप में कभी नहीं हुआ एक ही मैच में 400 आ जाए, नेवर हैपेंड बिफोर। अच्छा जी, आदित्य कुमार आपसे पूछ रहे हैं, मोहसिन अली जी आपने किस सेंस में श्रीलंका को सेमीफाइनल खिला दिया था? पहले ये हाईएस्ट रन खाए, फिर हाईएस्ट रन चेज भी करवाया, बॉलिंग तो देखे इनकी। नहीं भाईजान, वो मैंने बिल्कुल बोला था और पाकिस्तान के साथ रखा था 50-50 पे, तो ये आती मेरी प्रिडिक्शन हो गई, मानता हूँ। ठीक है भाई, हो जाता मेरा ख्याल था। देखें असरंगा वगैरह, मुझे तो नहीं पता था कि वो वर्ल्ड कप में भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये बात भी है, असरंगा लेकिन ठीक है। देखें आई एडमिट हाईएस्ट के मेरी इसमें था, मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग से बहुत डर था, वही देख ले बैटिंग ने आपको बचा लिया। बॉलिंग तो 450 रन खा गए, ये 25-30 रन हकीकतन एंड के 20 ओवरों में, लास्ट 10 ओवरों में तो आपने उन्हें बिल्कुल ही बांध दिया। नहीं बात ऐसी है, मौसम भाई असरंगा वगैरह के चक्कर में थे कि वो आएंगे और कुछ बेहतर हो जाएगा। हालांकि मैंने इनको बोला भाईजान पाकिस्तान की तरफ ही आ जाए पूरा, थोड़ा थोड़ा क्या उधर गए हुए, तो चलो अच्छी बात है कि आज पाकिस्तान श्रीलंका से जीत गया। मेरी प्रेडिक्शन गलत तो मेरा मुल्क आगे हो, इससे अच्छी बात अच्छी बात बिल्कुल बात ही कोई नहीं। तो अब आप पूरा कर ले पाकिस्तान, या देखे आप तो गया ना श्रीलंका, आपको नहीं आता वो भाई, पूरा हो गया जी, पाकिस्तान हो गया जी पूरा। तो विकास शर्मा जी कह जरा अहमदाबाद में पाकिस्तान का गाबा का ढाबा हो गया जरा, मोहसिन भाई कोहली और रोहित जनाब पेलेंगे, पाकिस्तान मीडिया क्यों खून के आंसू रोएगा जनाब? अच्छा अलग ही हो थिंकिंग भाईजान, अच्छा खेलेंगे तो जीत जाएंगे। अच्छा भाईजान इतना गुस्सा वो भी हमारे साथ, हम तो गुस्सा करते ही नहीं है, इतना गुस्से की आपको, हम तो आपको जीत को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अक्दस हुसैन कह रहे हैं आई वांट टू थैंक इंडियन फैंस फॉर सपोर्टिंग अवर टीम, वी नीडेड दिस सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, अवर मिडल ऑर्डर लुक स्ट्रॉन्ग बट इमाम बाबर नीड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग। यार इमाम को अब जान नहीं छुड़ा सकते हम, छोड़ो इमाम। अक्दस हुसैन जी जो आपने बात की ना शुरू वाली, बहुत ही खूबसूरत बात की है। अब देखें जी आप विकास शर्मा साहब बहुत गुस्से में, आपके पता नहीं पेलेंगे मारेंगे करेंगे, तो भाईजान अच्छा दिन है, अच्छी बात करें, जो होगा तो उस दिन बात करें। 14 की 14 को करें। अक्दस हुसैन साहब ने देखे तमाम इंडियंस का जो यहां पर भी सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी, और जो क्रिकेट लवर्स हैं वहां मैदान में भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो तमाम का हमने भी थैंक यू अदा किया है, शुक्रिया। और जितने सेंसिबल और समझदार किस्म के क्रिकेट फैंस और पाकिस्तानी है तमाम थैंक यू कर रहे हैं, सही बात, तो बहुत शुक्रिया जी। ग्राउंड में ऐसा लगा के शायद जो नहीं कर रहे वो बाइस के पाकिस्तान में शायद कहीं मैच हो रहा है, सही बात। तो आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। 24,000 तो भाईजान पिंडी में नहीं हो सकता, लाहौर में भी नहीं हो सकता, कराची लाहौर में 25-28 बार इतना ही है कोई। बहरहाल जी स्टेडियम भी भरा हुआ, लाहौर में मैच हो रहा था, बेहतरीन शानदार। तो थैंक यू जनाब अक्दस हुसैन साहब, जाहिर है पाकिस्तान के क्रिकेट फैन है, इन्होंने स्पेशल आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जी, बिल्कुल जी। और बाकी कांची रानी कह रही ना गिव मैन ऑफ द मैच टू पतिराना, आल्सो गुड बैटिंग, बैटिंग यानी अच्छी की पाकिस्तान ने, और पतिराना को कह रही थी मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच, 90 ऑड रन्स दिए 9 ओवरों में। देखिए इसको तो धोनी ने बोला था ये 4 ओवर ही खेले, अब जो धोनी की बात नहीं मानेगा तो पिटेगा। धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी आप इसका कप्तान है सीएसके में, सही बात। धोनी ने बोला कि भाई ये अभी फिलहाल 4 ओवर की क्रिकेट भी फोकस करो, रेड बॉल से भी दूर रखे, रेड बॉल से भी दूर रखें, तो ये 4 ओवर को छोड़ के 10 ओवर में हाथ डाला तो धोनी ने बोल दिया, तो फिर तो मार तो पड़ेगी, तो बोल दिया फिर मार तो पड़ेगी, कमिटमेंट कर ली तो कर ली, हाँ तो फिर तो मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। आए जी समीर भाई क्या कह रहे हैं, समीर जी कह रहे हैं मुबारक हो, वेल डिजर्व्ड, रियली हार्ट वार्मिंग टू सी द सपोर्ट गिवन टू पाकिस्तान टीम बाय इंडिया, इंडियन क्राउड्स, बॉलिंग टू बी एड्रेस्ड बट मच नीडेड परफॉर्मेंस। अच्छा मैसेज किया आपने, बताया नहीं कि आप 14 तारीख माजरत कबूल कर ले, 14 तारीख वाला तो चलो जब होगा तो होगा, तो हम भी तो करें ना, हम भी तो बैंटर्स करते हैं, अभी 3 दिन तो हम भी जाए कर 14 दिन देंगे। तो समीर साहब बहुत शुक्रिया आपका और बाकी भी तमाम दोस्तों का, बिल्कुल जी, इट वाज हार्ट वार्मिंग टू सी द सो मेनी पीपल सपोर्टिंग पाकिस्तान इन द 24,000 बंदा नॉन इंडियन मैच, 24,000 बंदा और पाकिस्तान खेल रहा है, 1,20,00,000 लोग देख रहे हैं। अजय जाला आदर साहब आप कह रहे हैं मौसम भी ज्यादा खुश ना हो तो देखा जाएगा, तो भाईजान वो कितना, एक मिनट है, कितना खुश हूं
श्रीलंका थर्ड क्लास बॉलिंग 26 एक्स्ट्रा दो मैचों में 774। अच्छा भाई कितना खुश हो जाऊंगी, आधा पाओ कह रहे हैं, कितना है? आधा पाओ गालकिंग कोहली वर्सेस नवीन उलहक है भाइयों। आकाश साहब वाह वाह वाह, बड़ा याद कराया डॉक्टर साहब। ये देखिए ना इधर, ये रखा हुआ भाई, वो भाई नहीं है वो रखा हुआ भाई, ये है भाई स्पेशल, ये स्पेशल डाला ये भाई लेके बूथा नहीं नजर आ रहा हमारे किंग का जी, ये ले दिखाया मैं दिखाया बब्बर शेर भाई, बब्बर शेर बब्बर शेर। हाँ कल सेटिंग करेंगे आपको पूरा नजर आ जाएगा बब्बर शेर, फिलहाल इतने से गुजारा, बल्ले से गुजारा करें, स्टाइल से आप समझ जाएं। गुड बैटिंग बाय बोथ टीम्स बट कम कम कंपटीशन थी आज, वर्स्ट बॉलिंग कौन करेगा, वर्स्ट बॉलिंग ऑफ द वर्ल्ड कप श्रीलंका, उनकी भी माजरत थी, छोड़ा हमारे इमाम ने, उसने तो हमें खैर बहुत ही ठोका लेकिन पे बराबर। अभी पाकिस्तान की वो जीत गए हैं तो फिलहाल तो हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि वैसी बातें तो करते रहते हैं, करने नहीं चाहिए अभी फिलहाल, फिलहाल हम इसमें कीड़े नहीं निकालेंगे। सही कह रहे हैं, और बॉलिंग हमने मिड विकेट में बॉलिंग पे अपने तासुरत दे दिए हैं पहले। त्रिशा जैन कह रहे हैं अली भाई बैट दिस विन, पाकिस्तान टीम इज लीथल टू ऑल टीम्स टीम नाउ Now every team will have some fear to play against Pakistan. Ali bhai, you think now Pakistan is the most favorite to win the World Cup once? No, main nahi samajhta. Ek second. Warm up mein maine kya kaha tha ki warm up ke matches ko itna serious na le aap. Samjhta na. Thoda intezar kare. Baar baar maine doston ko kaha tha. Mera mazak kya ho jayega? Kya ho jayega? To bhai jan ye ho jayega. Theek hai? देखिए आपकी बात में बड़ा दम है, बिल्कुल आप ठीक जैन साहब फरमा रहे हैं कि हमारी टीम जो है अच्छा है, लेकिन देखिए जब तक आपकी बॉलिंग स्ट्रांग ना हो यू कांट चेज थ्री। और देखिए जो पॉजिटिव पॉइंट है, बाबर आजम नहीं स्कोर कर रहा लेकिन हमारा टीम स्कोर कर रही, ओपनिंग नहीं चल रही, मतलब एक दोनों ही नहीं चल रहे थे, एक तो आज अब्दुल्ला आ जाया, हमारी टीम ने 3.5 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री क्रिएट कर दी, ये अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, लेकिन You can't stop big teams on these kind of runs. वो तो करेंगे 400 प्लस एक, फिर 400 का जो प्रेशर होगा वो नहीं रुकता। सही बात, देखिए वो बहुत तेज हम आगे नहीं भागते, मैच टू मैच ही जाएंगे, और पहले आप टारगेट है सेमीफाइनल में क्वालिफाई का, उसके बाद फिर आगे है, वन साइडेड ही फाइनल तक आसान नहीं है, बड़ी अच्छी अच्छी टीमें मौजूद हैं। हमने 9 में से 3 मैच ऐसे रखे हैं जिनमें खतरनाक है, 6 मैच हमने ऐसे रखे हैं जो हमें जीतने चाहिए। देखिए उन 3 में से कोई हम जीत जाए वो बोनस है, उन 6 में से हम कोई हार जाए साइन ऑफ कंसर्न है, लेकिन 350 चेज करना श्रीलंका, जो भी आप कहें भाई वेले लेगे टिस्काना ये मधुशांका ये सारे असलंका पंका ये विकेट लेते रहे हैं, धनंजय डिसल्वा डेंजरस है, शनाका खतरनाक है, ये पत्ती राणा जो है मार खा रहा है ले जाता है विकटे, तो कहने का मकसद है रिजवान साहब ऐसा भी नहीं है, लेकिन 350 रन ये चीज अच्छी है कि आपका कप्तान नहीं चल रहा, इमाम तो खैर माजरत से रहने ही रहे लेकिन फिर भी आप स्कोर कर रहे हैं, पाकिस्तान मैनेजमेंट ये मिक्की आर्थर और ये इंजमाम को बाहर निकालें, और ये जो वॉरियर्स है बैट के स्ट्रेटजी बनाए कि भाईजन अगला मैच इंडिया के साथ है, करना क्या। मंदर नकर कह रहे जी गिल इज द बिगेस्ट सेटबैक फॉर इंडिया, बाकी जी देखिए हम ट्वीट शीट पे किसी की कमेंट हम नहीं करते, तो आपको पसंद है तो आप देखिए, आपने किसने कहा है ऐसे वो रिपोर्टर या फलाने, हमें तो हम तो पता ही जी, सेटबैक तो है बिल्कुल, वो सेटबैक बिल्कुल है, रिज ब्रो एंड मोसन सर जान बची लाखों पाए, हाँ। कुमार साहब बिल्कुल ये भैया बात तो सही, देखो हमें बंदा बड़बोलिया मारे, बात तो सच है, देखे बात सच है, बाबर के बाद तो मैंने बिल्कुल ही कहा कि गए मर गए, हमें बंदा झूठ बोले वो बकवास होती है, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं। प्रशांत कह रहे जी वी लाइक वुड लाइक टू प्रेज रिजवान हियर, बाबर इज ओके बट अंडर प्रेशर रिजवान सॉक्स प्रेशर, व्हाट अ नॉक बाय रिजवान, एंड शफीक वे वर दीज प्लेयर्स, शफीक रिजवान तो खेल रहा है, शफीक बेचारा इंजमाम का नेफ्यू नहीं है, शफीक कराची की पर्ची नहीं है, शफीक के पीछे कोई अंदाता नहीं है, शफीक के पीछे किसी का हाथ नहीं है, गॉडफादर नहीं है, हिस्ट्री क्रिएट हुई है आज एक नहीं कही। मतेश कह रहे जनाब उनकी वाइफ निधि नोटिस्ड
एंड सेड कोहली स्पेशल बैकग्राउंड. एब्सोल्युटली जी, स्पेशल कोहली को बैकग्राउंड में डाला क्या वो बता देता है, बाकी बैट बता देता है क्या महारत कौन सी है, बाकी एक एक बंदा है हर टीम का, लेकिन बिकॉज ही इज स्पेशल, ही इज किंग कोहली, सो ही इज देयर. एक और बड़ा स्पेशल बंदा आपने डाला हुआ है, आपने पता नहीं नोटिस किया या नहीं. इधर है एक बंदा बड़ा जबरदस्त है, शकीबुल हसन के साथ है. अंकित पटेल कह जनाब सर आई टोल्ड यू व्हाट पाकिस्तान विनिंग दिस कॉन्फिडेंस विन 14 अक्टूबर वर्सेस इंडिया श्योर, और कीप माय वर्ड सर जी, आई होप यू बोथ हैप्पी, लव यू बोथ टू आवर प्रेडिक्शन. जी देखें कल तो फिर इंडिया ही फेवरेट है, जाहिर ही है. अंकित पटेल साहब, अंकित पटेल साहब कल बताएंगे कौन सा प्लेट हुआ चेक क्या. थैंक यू फॉर योर मैसेज. समीर जी कह रहे ना वाइल इट्स एन एक्सीलेंट विन बट स्टिल आई बिलीव दैट दिस टीम इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू चैलेंज इंडिया. तो एक बार फिर माफी फॉर 14th अक्टूबर गेम, माफ किया आपको, फिर आइंदा ऐसी गलती ना. ठीक है, देखें जी टीम तो तगड़ी इंडिया की है, इंडिया में मैच है, सच है. बाकी उस पे हम क्लोज टू द मैच विल बी टॉकिंग मोर देयर. अभी कल बड़ा एक और मैच है तो ठीक है, आज के मैच पे बात होनी चाहिए. शुगल मेले आप लगाते रहे, कोई बात नहीं, लगे रहे मुन्ना भाई, तो कोई बात नहीं जनाब. सैयद हसन रिजवी साहब कह रहे हैं मौला सलामत रखे, लव वॉचिंग इंडियन क्राउड चेयरिंग फॉर पाकिस्तान, रिजवान हमेशा पाकिस्तान को सेव करता है, बाबर इमाम से वो वल्ला वल्ला वो वल्ला उम्मीद नहीं है वो वाली, तो बस जी अब ऐसे ही चल रहा है भाईजन, वल्ला ही है वो, नहीं वो कह रहे हैं वल्ला कोई उम्मीद नहीं. हाँ कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, किक आउट करें इसको सारी चीजें ठीक हो जाती. तो रिजवी साहब आप सैयद, एक और बादशाह ने भी आज कहा था सुबह, उसने कहा जी आपको सैयद की दुआ जीतेंगे. और अक्षय कुमार करण जी वेरी हैप्पी टू सी यू हैप्पी, मजा आ गया जी, और चाचा आपके पास हैं और फिर गम का है और अब्बा हमारे पास हैं यानी विराट रावत साहब कह रहे हैं. ठीक है जी, ठीक है जी, और ख्वाजा यावर भी आ गया, खुश खुश ख्वाजा यावर भी खुश हैं, कह रहे जी इमाम इज ओनली नॉट ओनली पर्ची बट ओवर कॉन्फिडेंट, आई विल लॉज अ केस अगेंस्ट द पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर आउट ऑफ शॉट बॉल लूजर. ख्वाजा यावर जी गुस्सा जाने दे, कोई मैं समझा कोई खुशी वाला मैसेज होगा वो ठीक है, ये बातें कर ली काफी, लेकिन कोई अब्दुल्ला पे मैसेज करे, कोई रिजवान पे मैसेज करे, हाईएस्ट एवर रन चेज हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप 350 पे, जाहिर है कि उम्मीद बड़ी कम थी, वहां से चेज हुआ है, तो कोई अच्छा अच्छा बोले, ये तो बातें चलती रहती है, शुभ शुभ बोले. हाँ तो इन सारे इन पे सारी बातें हम कर चुके हैं जब मिड इनिंग्स में आए थे, तो हम लाइव ही थे जब तशरीफ लेके जा चुके थे इमाम साहब, तो हम अपने दिल की भड़ास निकाल चुके हैं, अब कोई अच्छा अच्छा बोले. अली भाई दिस विन पाकिस्तान टीम इज लीथल टू ऑल टीम्स नाउ, नाउ एवरी टीम विल हैव सम वे. अच्छा ये मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, ये शायद दोबारा आ गया या मैं मुड़ घुड़ के वापस तो नहीं आ रहा. तो अच्छा जी अंकित साहब कह रहे हैं भाई दुश्मन मुल्क होता तो इतनी सपोर्ट नहीं मिलती स्टेडियम में, बाबर प्रसाद है प्रसाद, हाँ अंकित प्रसाद, और बाबर आल्सो थैंक द क्राउड इन द पोस्ट मैच, डिवाइडेड बाय पॉलिटिक्स यूनाइटेड बाय स्पोर्ट्स, शर्म करें सेठी नहीं था भाई वो दूसरा, तो बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल, और करना चाहिए बाबर को थैंक यू, बिल्कुल वैसे वो ने भी किया, वैसे वो कर रहे हैं थैंक यू वो. मैं तो कह रहा हूँ कोई कोई काम हो जाए हमारे सारे मैच हैदराबाद ही रख दो यार, सारे मैच हमारे हैदराबाद ही रख दो यार, कोई बात नहीं अगर ऐसे जीतते रहे तो बिरयानियां खाते रहे, तो अगर ऐसे जीत रहे हैं तो फिर बिरयानियां खाते रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन फील्डिंग में जरा थोड़ी सी जान छन मारे, वो बिरयानी खा के बंदा थोड़ा सुस्त हो जाता है, लेकिन आज तो भाई साहब कोई इन्होंने कसर नहीं छोड़ी, तो शुक्रिया बनता है भाई क्राउड का, बिल्कुल बनता है शुक्रिया. पाजी मैं क्या सी वीडियो तई देखांगा पाकिस्तान जीतेगा, खुश रहो जनाब, लव यू, नागिन डांस बुर्रा डांस, हरीश कुमार जी जो वीडियो खत्म हो जाएगी ना तुसी शुरू च जाना है, जो वीडियो का जिवें आगाज होया ना तुसी वो वेखना है, ठीक है ते तानू मजा आ जाना है, ते बल्ले बल्ले वाला डांस होया ते मजेदार डांस होया, अमेजिंग फिटनेस लेवल रिजवान और
राहुल ह्यूज रिस्पेक्ट जी, थैंक यू अनुराग कुमार जी, थैंक यू वेरी मच जी आपका और बहुत शुक्रिया जी। इट्स नॉट इजी, अभी मोहसिन भाई ने भी आपको बताया 50 ओवर कीपिंग करना, भाई जान यूवर कीपर बताइए कितना ये बहुत मुश्किल है। ये जो जगह है ना ये आपकी काम ही नहीं करती, बैठ के आपने ग्रिप करनी है, बहुत बड़ी बात है, क्रैम्प्स थे, चलो जो कुत्ते बिल्ले जो भी कहें क्रैम्प्स हो जाते हैं। 50 ओवर कीपिंग करना, डाइये मारना, चले कम बॉलें आई लेकिन कीपिंग तो करनी पड़ी ना, फिर 40 ओवर बैटिंग भी की। सही बात है जी। करण सिंह कह रहे हैं जी उनका तो आज बड़ा अच्छा दिन था, उन्होंने तो कप्तान और वाइस कप्तान अब्दुल्ला को और रिजवान को ही बनाया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। और वही बात कर रहे हैं जी 50 ओवर की कीपिंग बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ह्यूज बूस्ट फॉर पाकिस्तान इवन दो मैनेजमेंट हैव टू एनालाइज नेगेटिव एज वेल स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट, बट बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग गेम। थैंक यू वेरी मच जी। स्किन पीस आप कह रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। और आपने जो बोला अनुराग कुमार कह रहे हैं जनाब सलाम अलैकुम, व्हाट अ डिटरमिनेशन, रियली आई वॉच लाइव ऑन हॉटस्टार फ्रॉम फर्स्ट बॉल, प्लीज होप इंडिया विंस टुमारो सो दैट इंडिया पाकिस्तान प्लेज विद टू, ऐसा ही होगा, नहीं जीतेगा इंडिया, कल इंडिया जीतेगा, ऐसा ही होगा। और जीत के साथ ही जब दोनों टीमें मिलेंगी थोड़े मैच अफगानिस्तान जब एक्सपीरियंस ओडीआई का आएगा फिर आप देखना ये टीम बहुत कमाल हो जाएगी। दो दो जीतों के साथ ही मेरे ख्याल में इनकी मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और ऐसा ही है। और किसी एक का जीत का सफर 14 को ही टूटेगा। हसन अली को ना भूलिए, इस पिच पर विकेट लेना आसान नहीं होता। नहीं नहीं हमने उसकी बड़ी तारीफ की है, कुछ लोग उसमें कीड़े निकाल रहे थे, हमने कहा बेटा तुम करके दिखाओ, फिर 4 विकेटें तो मजाक नहीं है। बिल्कुल जी हमने काफी तारीफ किया उसकी। और अभी तो देखें बैटिंग की बात हो रही है, ज्यादा बैटिंग की बात, और देखिये आखिरी 20 ओवर में पाकिस्तान ने उनको कंजूसी से रन दिए। सही बात है, स्पेशली आखिरी 10 ओवरों में, 21 से 30 ओवर के बीच में उन्होंने 100 से ज्यादा रन लिए हमसे व्हेन दे वर बैटिंग, बिकॉज वो कौशल मेंडेस जो है वो तो पता नहीं, और सदीरा भी नहीं छोड़ रहा था, क्या खा के आया हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर हमने इमाम को खा के आया, हमने इतने ज्यादा रन नहीं दिए, आखिरी 20 ओवरों में लेस देन रन बॉल रन दिए। सही बात, आखिरी 20 ओवरों में 114 रन दिए, और वहीं पे जाके गेम पलटी है, वहीं पे ही गेम पलटी है जाके। अगर हमने उन 20 ओवरों में भी उसी तरह मार खाई होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो हसन अली वाज अमेजिंग टुडे, बिल्कुल ही वाज अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट। सही बात, और मोहसिन भाई ने उसकी तारीफ की है मिड इनिंग में, बहुत तारीफ किया जब बॉलिंग खत्म हुई थी। नहीं वो नहीं बता रहे कि जब पिक कर रहे थे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे इसको, नहीं नहीं रिजवान साहब और मैंने दोनों ने कहा था बेस्ट है ये, देखे ये वसीम बालों वाली सरकार, ये धानी मानी, नो 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 मदानी मदानी, नो 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 नो, ये हसन अली आपको बोला था कि ये बड़े मैच के लिए ये ठीक है, एक्सपीरियंस है। बिल्कुल जी, सुपर्ब टू सी द क्राउड सपोर्ट पाकिस्तान इन इंडिया, कांग्रेचुलेशंस टू यू बोथ, थैंक यू वेरी मच जी, आपका शुक्रिया, ऑनेस्टली आपका शुक्रिया। शिखर साहब ये बात कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। और पहले भी हमने भी आपका शुक्रिया अदा किया है, थोड़ी देर पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया हमने, तो जो जो भी यहाँ पे भी सपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ पे स्टेडियम में थे, आप तमाम दोस्तों का जी बहुत शुक्रिया। और हुसैन कक्का वाला ने भी बड़ा अच्छा मैसेज किया जी जी, मैं अभी पढ़ता हूँ। क्रेजी ऑन करें जनाब, मामू मोहसिन जी मैंने बोला था पाकिस्तान जीते, वाह भांजे आप छा गए मेरे बच्चे। विजय कुमार भी कह रहे जी ना, वाह वाह, नागिन डांस का वादा किया था जनाब। नहीं नहीं मैंने नागिन का नहीं वादा किया था, मैंने कहा था डांस होगा बल्ले होगा, शुरू में देखें बल्ले भी हुआ थल्ले भी हुआ सबको नचा दिया, सब हुआ, प्रीतम कोई नहीं बचा, ऐसा ही है जी प्रीतम। नागिन नागिन मैं नागिन नागिन ओ भाई जाने सोफा टूट जाना है, अरे नागन नागन तो है दूसरी वाली, आज बांग्लादेश का भी वैसे ही यही हाल हुआ, नागन के साथ उनका भी अच्छा, उनका भी कोई अच्छा हाल नहीं हुआ। और अनुपम बात बात भाई जान बात, रिलैक्स रिलैक्स, वापस आ जाओ होस्ट जी, आ जाओ
अनुपम गौतम कह रहे हैं मुबारकबाद बॉसेस, बॉयज प्लेड वेल, रीच्ड दिल्ली फॉर टुमारोस मैच, स्टिल पाकिस्तान इज माय फेवरेट थ्री टीम्स, इंडिया डोंट अंडरस्टैंड भाई ये राहुल रावत के साथ और बहुत इंटरव्यू दिया है अनुपम गौतम, स्टाइल बना के जाता है भाई, पक पे 2000 की नहीं 2000 नहीं 6-7 हजार की पकड़ी ऑर्डर पे जो बनाई थी, ऑर्डर पे तो मैंने देखा भाई स्टेटस बड़ा, कभी किसी को इंटरव्यू भी, किसी को ये वो ये मैच भी जिताया भाई, अभी तो क्लीन शेव होना था इसने, वाह जी वाह, अभी कोई किस दिन होना वो दिल्ली में होना था वैसे तो। मुबारक हो, वो इंडियंस ऑलवेज लव पाकिस्तान, मोहब्बत विंसी हुसैन कंगल वाला साहब, थैंक यू वेरी मच, जैसा ही आपका खूबसूरत नाम है वैसे ही आपने खूबसूरत मैसेज दिया। मैं गौतम गंभीर का उससे सुन रहा था, वो कहते हैं मेरे मुल्तान से भी हैं और पता नहीं कहां का बता रहे थे कि दादा पता नहीं कहां से और दादी, यानी पाकिस्तान से कहते हैं बहुत मोहब्बत मिलती है, और मैं देख रहा था उनका इंटरव्यू मुल्तान और इस तरह का जिक्र कर रहे थे, तो बहुत शुक्रिया जी उनका भी और आप भी तमाम दोस्तों का, हुसैन ककरवाल साहब थैंक यू फॉर योर मैसेज। और भाई साहब रॉबिन तरन कह रहे हैं जी कोहली के बिना कोई पोस्टर क्रिकेट का जो है जचता नहीं है, ये भाईजान लगा दिया, ये देखो 2028 ओलंपिक्स में कोहली है, क्रिकेट में तो कोहली ये ब्रांड है। रजत चौधरी का मैसेज है, उसके बाद दीपक मिश्रा कहेंगे वेल प्लेड रिजवान, फिटनेस लेवल कमाल है भाई बंदे का, अप्रिशिएट भाईजान, माय बेस्ट, मे द बेस्ट टीम इन द 14th, जी बिल्कुल जी, लव यू टू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अकदस हुसैन कह रहे हैं मोहसिन भाई आई वुड लाइक टू टेक इमाम आउट बट वी नो दे वोंट डू दैट, आई वुड लाइक फखर इंस्टेड ऑफ इमाम, फखर एंड अब्दुल्ला ओपनिंग, फखर नीड कॉन्फिडेंस, ये लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया, 14 में ड्रैग ये नहीं खिलाएगा, ये पर्ची ही खेलेगी, ये पर्ची जो है ना ये ही खेलेगी। हाँ तो अकदस हुसैन साहब चाहते हो आप ठीक रहे हैं, लेकिन फिलहाल तरीका कर देना, मसला ये है कि दोनों ही एक दूसरे से बढ़ गए। What is wrong with Ramiz? He is talking bad about Pakistan. भाईजन अब आपके चतलवे चाटेगा ना? अब भाईजन क्या कह सकते हैं? अब तो चेयरमैन तो नहीं है। अब वो चोरमैन है। आदित्य चक्रवर्ती, हाय मोहसिन भाई, रिजवान भाई, it's a strong battle out by Pakistan, but let's not celebrate this. Let's go by match to match. Sri Lanka no doubt concern. देखिए बात आपकी ठीक है। मैच पे ऐसे खुश हो रहे हैं भाईजन। आदित्य चौधरी साहब बात आपकी ठीक है। लेकिन अब आज की इतनी बड़ी जीत जो के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ, तो उसमें फिर हम मतलब कल के लिए इंतजार करें 14 का, मतलब कि इंतजार करेंगे सेमीफाइनल में जाएं तो तब हम मतलब खुश हों। भाईजान हर चौके पे खुशी होती है, हर छक्के पे जब आपकी टीम खेलो खुशी होती है, ये तो इतना बड़ा मैच जीत गए तो सेलिब्रेशन तो बनती है। आगे जब मतलब आम इंसान का मसला ये है वो फ्यूचर को देख के परेशान आज के दिन में है कि पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, आज का दिन तो एंजॉय करो यार। सही बात है। प्रेजेंट को क्यों प्रेजेंट बोला जाता है? सही बात। बिकॉज इट्स प्रेजेंट, अब फ्यूचर तो आगे आएगा तो आएगा। द प्रेजेंट। हाँ, तो जो मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीखे और ये जिंदगी में भी लेके आए अपनी बात। आगे मतलब एग्जाम होगा, जॉब होगी, क्या होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, छोड़ो जो भी होगा, अभी जो मोमेंट है वो एंजॉय करो। सही बात। तो आप एंजॉय करें। नॉट हैप्पी विद द रिजवान इंजरी टैक्टिक्स, सैड नहीं, तो उसको एक्स्ट्रा 5 रन दे दिए श्रीलंका ने, कि ये इंजर्ड है तो 5 एक्स्ट्रा रन ले लो, ये क्या बात हुई। माय ओपनर्स फॉर नेक्स्ट डेम इज फखर एंड अब्दुल्ला, मोहम्मद सरवरी साहब जी थैंक यू साहब, ये नहीं करेंगे उस पर्ची को व्हिच इज बिग, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एंड व्हाई, देखें जी ऑस्ट्रेलिया इंडिया, देखें जी मैच तो वो बड़ा था लेकिन चेज ये जो ना 350 ये आसान नहीं होता, बेशक आप कुछ भी बोले तो ये हमारे लिए तो यही बड़ा मैच है भाई, 350 जो चेज हुआ भाई, बैकग्राउंड में कोई और प्लेयर डालना था अफ्रीका का, बस जी संजू साहब वो जिस बंदे को बनवाया उसको बबूमा और फलकवायो में समझ नहीं आई कि कौन है, सारे एक जैसे ही समझे। विकास कर जनाब, रिजवान भाई, मोहसिन भाई, लव यू बोथ, आपकी टीम बहुत अच्छी खेली है एंड फाइनल पाकिस्तान इंडिया का दिल से चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, जो भी जीते डिजर्विंग है, ठीक है। रिजवान मोहसिन भाई कभी बोलते नहीं लेकिन बुरा लगता है, कभी बोलता नहीं लेकिन क्या बुरा लगता है भाई आपको, पूरी बात तो लिखे आप। इज अब्दुल्ला द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई एंड टेस्ट? तो अभी इट्स टू अर्ली, टेस्ट में तो वो ऑलरेडी माशाल्लाह ठीक कर रहा है। आज की जीत मीठी नहीं लग रही जी रिजम, आप शुभम साहब वो सेमीफाइनल में आएगी मिठाई, अब आगे देखेंगे। वाई इमाम प्ले अगेंस्ट और इंडिया और फखर जी, प्रियंका सिंह जी इस पे अब देखना पड़ेगा,
मेरे ख्याल में तो इसी को ही डालेंगे ये पोस्टर में, 110 खिलाड़ी हैं और एक खिलाड़ियों का खिलाड़ी जी आकाश जी ऐसा ही है। और अली भाई व्हेन विल इमाम स्कोर हिज वॉकिंग विकेट? भाई जान ये तो मैं उससे पूछता हूँ इंजमाम पर्ची से। आप मानो या ना मानो बाबर को वो क्लास नहीं है जो प्रेशर चेज में आपके काम आए। हमने कब कहा इफ द टीम वॉन्ट्स टू रिएक्ट रीच टॉप फोर लेवल देन मैनी चेंजेस आर रिक्वायर्ड। भाई कितों करी है समीर साहब रिजवान ने आपको नेदरलैंड्स मैच में भी बचाया, एशिया कप नॉक आउट में भी ही स्कोर्ड रन। सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 90 प्लस की एवरेज से खेल रहा है तो ऐसे तो नहीं खेल रहा। गेल 80-90% फिट है जी, अवेलेबल 14 को। देखे अंबानी साहब, अब मेरे ख्याल में 100% फिट हो तो फिर ही डालना चाहिए। नहीं नहीं वो भी नहीं है। रजन मोहसिन भाई सलाम अलैकुम, दुश्मन मुल्क से जी मुबारकबाद। ठीक है जी, आपको मुबारक जी, आपको भी दुश्मन मुल्क से। और थैंक यू वेरी मच जी आपको। हसन अली को बोलो डांस ना करे, 14 अक्टूबर को आ रहा है जनाब। यार आज तो खुश होने देना, आज तो खुश होने देना, उस दिन तो जो होगा तो होगा। साहब क्या कह रहे हैं, उस दिन तो जो होगा। गुरजिंदर सिंह ब्रार साहब ने लिखा कुछ नहीं है, इमरान को कभी क्रेडिट नहीं मिलता है। सॉरी सॉरी, अरसलान साहब कह रहे हैं जी क्रेडिट उनको कम मिलता है। अरसलान साहब भाईजान ऑलवेज ऑलवेज विद पाकिस्तान प्लीज एज फैमिली, गलत ना लें जी। ठीक है जी, थैंक यू जी, शुक्रिया बहुत शुक्रिया जी आपका। पाजी जब मैच हारते हो तो गुस्से में चलाते हो और आज जीते भी हो तो खूब चलाए हो, एक ही कहानी है जी। आज तो खुशी में चलाए हैं, थोड़ा लाइट डालो। मैं इस तरह करता हूँ, ट्यूब लाइट डालूं या बड़ी? आई डोंट अंडरस्टैंड द पब्लिक, इंडिया पाकिस्तान विल बिट ऑफ फाइट। जी अनुराग कुमार जी ऐसे ही है। जे पांड्या सब कह रहे हैं टुडे पाकिस्तान मीडिया डोंट से पब्लिक नहीं थी, बीसीसीआई फेल फॉर ब्रिंगिंग पब्लिक एक्सेट्रा, वी देयर विद फुल सपोर्ट कैपेसिटी, कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए कोई माने ना माने, हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। वही जो बोला था फरीद, बाकी लोग छोड़ो भाई, हम इस पे बात नहीं करते। तो बहुत जनाब थैंक यू आप तमाम दोस्तों का, बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत मैसेज आपने भेजे हैं, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही अच्छे नोट पे बस अभी आपसे ज्यादा चाहेंगे मोहसिन भाई आप कंक्लूड कर दें। भाई जान ये मेरा कंक्लूड ही है, फिर कंक्लूड ही समझे, तो ये कंक्लूड ही समझे आप, तो बहुत ही बेहतरीन। मैं एक दफा फिर जाते जाते तमाम इंडियन दोस्तों का, समीर भाई हैं, दुनिया भर में जितने लोग हैं, जतिन तलवार साहब हैं, अंकित पटेल साहब हैं, जो जो जहां से हैं, उनका स्पेशली देखिए पाकिस्तानी तो जारी बात है पाकिस्तान है खुश होगा, तमाम जितने लोग ग्राउंड में थे, जितने लोग ग्राउंड में नहीं थे, इंडियंस का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह करे हमारा और आपका फाइनल आए, जो भी जीते फाइनल आए एशिया में ही वर्ल्ड कप रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, भले भले भले, बुर्रा फॉर हैदराबाद क्राउड, इंडियन क्राउड, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये भाई सिरिक साहब कहते हैं पाकिस्तान हैज अ ग्रेट टीम, ऑलवेज होप बॉलिंग इंप्रूव्स आफ्टर द विक्ट्री, वेल प्लेड जी, थैंक यू जी बहुत शुक्रिया। और आप तमाम दोस्तों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छा मैच जीता है। अब कल के मैच पे इंडिया और अफगानिस्तान का मैच है, तो फिर हम जब सुबह इंशाल्लाह आएंगे दिल्ली में तो फिर सुबह ही आपसे उस पर गुफ्तगु होगी। जी हाँ बिल्कुल सुबह। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। लाइक और सब्सक्राइब हमने एक दफा भी नहीं कहा, नॉट वंस। क्या था पोजीशन की लाइक की? 6,000 लाइक्स हैं यार, हाथों की 13,000 दो सात और लाइक 6,000 हो। तो बहरहाल जाते जाते कर दीजिएगा लाइक। ख्याल रखिए अपना, कोई मले वाले आएंगे और पोस्टर चेक करें, पीछे किंग कोहली को बीच में डाला स्पेशल, वाह पूरा इफेक्ट, वाह ये देखिए जी, वाह। तो आज तो कोहली भी खुश होगा और रिजवान को कह रहा होगा इधर आ चिपियां ते पपियां ला, इधर आ आ जा ते बैठ जा साइकिल ते आ जा। थैंक यू वेरी मच आप तमाम दोस्तों का, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। तो आ गया है फिर से देखो, एक ही लक्ष्य है अब तो, हर सुबह
पे ये लंग से चढ़ा है।